स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। जीडीपी जितना नीचे गिरती जा रही है, महंगाई उतनी बढ़ती जा रही है। इसलिए लोग बजट में मोदी सरकार से खास उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में जनता को राहत देने का कोई भी ऐलान नहीं किया और अब लोगों के इसी दर्द को आरबीआई ने और बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने भी क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करके कोई राहत नहीं दी। गिरती अर्थव्यवस्था से देश बेहाल है, महंगाई से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन सरकार है कि कोई कदम उठाती ही नहीं, जनता का बोझ कम करती ही नहीं। पहले बजट ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा और अब आरबीआई ने भी क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर जनता को मायूस कर दिया। रिजर्व बैंक ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब रेपो रेट अभी भी 4% और रिजर्व रेपो रेट 3.35% पर ही रहेगा। दरअसल आरबीआई की नज़र राजकोषीय घाटे को कम करने पर है। यही कारण है कि एक्सपर्ट पहले ही इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि जनता को निराश करने के साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि धीरे धीरे घरों की बिक्री में सुधार हुआ है, साथ ही अब लोगों के खर्च करने की क्षमता एक बार फिर रिकवर हो रही है। हाल ही में जो आम बजट पेश किया गया है उससे निवेश की स्थिति सुधरने की उम्मीद है। इसी के साथ ही रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी में 10.5% की बढ़त का अनुमान लगाया है। वहीं इकोनॉमिक सर्वे में ये 11% होने का अनुमान लगाया गया है। यानी सरकार जितनी संभावना जता रही है उसके मुताबिक आरबीआई अर्थव्यवस्था में तेजी की उम्मीद थोड़ा कम लगा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।